फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मैं महफूज खान आपको अपने चैनल खान टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स मेरी टेक न्यूज एपिसोड नंबर 21 है फ्रेंड्स। और थोड़ी आपको चलिए बाद में बताता हूं आपको, चलिए इंट्रो दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ी मेरी वीडियो में फर्क नजर आ रहा होगा क्योंकि थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ गई, मीन्स थोड़ी क्लियरिटी बढ़ गई है। यहां पर मैंने अपने एक छोटी सेल्फी लाइट मंगाई है यहाँ पर, और मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग थोड़ी देर बाद डालूंगा जरूर। थोड़ी आपको ब्राइटनेस अलग से दिख रही होगी मेरी, जो थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड मीन्स थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स आज अपना टेक न्यूज एपिसोड नंबर 21 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मीन्स ज्यादातर ऐसी कोई न्यूज नहीं है, सिर्फ मोबाइल की ही ऊपर न्यूज है। सारे न्यूज जो पांच की पांच न्यूज है वो सारी मोबाइल्स के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए आज की टेक न्यूज एपिसोड नंबर 21 शुरू करते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर फ्रेंड्स अपना जो नंबर वन जो फर्स्ट टेक न्यूज है वो आ रही है आईफोन की तरफ से, जो है आईफोन SE 2 रिलीज डेट इज सितंबर 2018। मींस यहाँ पर जो आईफोन SE 2 है उसकी रिलीज डेट मींस कंफर्म, तो अभी डेट कंफर्म नहीं है, बस ये मंथ कंफर्म हो गया है कि सितंबर में हो सकता है ये रिलीज। और जो इसका मतलब जो माना जाए कि SE 2 जो कैसा रहेगा वो करीबन तो मींस जो आईफोन 10 आपको देखा होगा वैसी उसका ही सबसे मींस सस्ता फोन होगा, आईफोन 10 का ही छोटा होगा लेकिन चीप फोन इसमें यहाँ लिखा गया है चीप फोन होगा, जैसे आईफोन 10 के ही कॉपी होगी थोड़ी बहुत। चलिए इसका यहाँ दूसरी टेक न्यूज की तरफ अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है द रेडमी 6 प्रो विल लेट यूजर्स हाइड द नॉच कन्फर्म शाओमी। यहाँ पर शाओमी ने कन्फर्म कर दिया कि जो 6 प्रो है, रेडमी का 6 प्रो है, उसमें जो नॉच आएगी वो यूजर्स जैसे कोई यूज करेगा उसको वो आप नॉच अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी इमेज दिख जाएगी कैसी नॉच आपको अलग करेंगे तो कैसा दिखेगा, और अगर नॉच रहेगी तो कैसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स एक ये अच्छी बात है कि अगर आप नॉच अलग करना है तो नॉच अलग कर लीजिए, या फिर आप नॉच के साथ चलाइए, जैसे आपको जो अच्छा लगे वैसे आप ये चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसके साथ अपन बढ़ते हैं थर्ड टेक न्यूज की तरफ। यहाँ पर भी आ रही है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग इज गोइंग टू लॉन्च 23+20 MP डुअल कैमरा यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, जो S10 आने वाला है। अब इतना लीक निकल के आया है इसका कि S10 जो आने वाला है 23+20 MP का कैमरा हो सकता है, उसका जो डुअल रेयर कैमरा है वो 23+20 MP का हो सकता है। तो जैसा अब लीक आया है तो मैंने बता दिया है, और जैसे कंफर्मेशन होता है तो मैं आपको और भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं अपन फोर्थ टेक न्यूज की तरफ। यहाँ पर जो आ रही नोकिया की तरफ से, नोकिया X6 ब्रीफली लिस्टेड ऑन ग्लोबल वेबसाइट हिंटिंग, अच्छे से सुनना, हिंटिंग एट इंटरनेशनल लॉन्च। यहाँ पर जो ग्लोबल मतलब जो नोकिया X6 है वो सारे वेबसाइट्स में हो चुका है कंफर्म कि वो बस सिर्फ इंटरनेशनल लॉन्च की, ग्लोबल लॉन्च के लिए बस तैयार ही, ग्लोबल लॉन्च के लिए ऐसी लॉन्च होगा वो सारी वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ अपन बढ़ते हैं फिफ्थ और आज की लास्ट टेक न्यूज की तरफ। जो आ रही है यहाँ पर लास्ट टेक न्यूज है वो भी नोकिया की तरफ से है, नोकिया 5.1 Now available for pre-order, likely to cost ₹13,000। यहाँ पर जो Nokia 5.1 है वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है प्री ऑर्डर के लिए। यहाँ पर जो उसका कॉस्ट पड़ेगा यहाँ पर 13,000 मीन्स ₹13,000। और फ्रेंड्स ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, अब जैसे नोकिया 5 में जो नोकिया 5.1 है उसका फिंगरप्रिंट पीछे आपको दिया गया है, और जो पहले 5 था नोकिया 5 उसका फिंगरप्रिंट होम बटन में था, यहाँ पर जो होम बटन था यहाँ गायब कर दिया। तो ये थी फ्रेंड्स आज की टेक न्यूज एपिसोड नंबर 21, और मीन्स यहाँ की 5 जो टेक न्यूज मैंने बता दिया है आपको। फ्रेंड्स आई होप अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे दिए हुए लाल बटन को। और फ्रेंड्स थोड़ा अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी वीडियो क्वालिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।